हेलो वंडरफुल प्लांट लवर्स, कैसे हैं आप सभी। यह है वेरीकेटेड स्पाइडर लिली, जिसके मैंने एक्चुअली बल्ब्स मंगाए थे अमेज़ॉन से, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो बॉक्स था वो ब्लैंक आया था। उस बॉक्स में बल्ब्स नहीं थे, तो रिप्लेसमेंट के बाद जो मुझे बल्ब आए हैं उसके लिए मैं ये सॉइल अपना जो है वो रेडी कर रही हूँ। इसलिए मैंने इमेजेस अभी शेयर करी है, बिकॉज अभी उसमें प्रोपगेशन हुआ नहीं है। ये गॉट मैन्योर है जिसे मैंने अभी इसके जो है बारीक इसको फोड़ना है मुझे। ये काउडम मैन्योर है, और ये जो यहाँ पे पुष्कर अजमेर में जो सॉइल मिलता है ये वो है। मैंने इन सब को मिक्स कर लिया है, और इसी के अंदर जो सूखे नीम के पत्ते थे उन्हें हाथों से ही क्रश करके मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है, और कुछ नहीं किया। अगर पीपल के और बड़ के भी आपको ड्राई लीव्स मिल जाते हैं तो वो भी दी बेस्ट होते हैं, आप उनको भी, क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं उसके बाद, तो आप चाहें तो हाथों से ही उन्हें क्रश कर लें। उसे इजीली क्रश करके केवल आप अपना जो सॉइल है उसके अंदर मिक्स कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो धीरे धीरे डीकम्पोज्ड होते रहते हैं सॉइल के अंदर, और आपके प्लांट को उससे कोई नुकसान नहीं होता। नीम जो है, कड़वे नीम के पत्ते अगर हम डालते हैं तो उससे यह है कि सॉइल में आपके कोई कीड़े वगैरह नहीं होते। जो आप नीम खली का जो प्रोसीजर है वही आप ड्राई लीव भी अगर डाल देते हैं नीम के सूखे हुए, तो भी उससे भी हमारा काम हो जाता है। और मेरे मोस्टली जो प्लांट हैं उनमें नीचे मैंने जो बॉटम है उनमें वही डला हुआ है। ये वर्टिकल गार्डन है, इसको भी मैंने प्रॉपर उसी तरीके से अपना प्रिपेयर किया था। बेस में मैंने जो इसके अंदर है पूरा जो आपका नीम है, कड़वे नीम के सूखे पत्ते हैं, वो मैंने डाले हुए थे। अगर आपको ड्राई लीव्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पास इतने प्लांट नहीं हैं कि ड्राई लीव्स अभी आप उसमें से निकाल सकें या कोई चीज़, तो सिंपली आप ये कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई गार्डन वगैरह हो तो वहाँ से भी, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं जब पत्तियाँ इकट्ठी हो जाती है गार्डन की उन्हें जला देते हैं, तो आप उनसे कम्युनिकेट करके वहाँ से ड्राई लीव ले सकते हैं। ये मेरा पॉट है, इसमें ट्रायंगुलर हार्ट पाइन लगी हुई है, और ये वाइट कलर का मेरा जो है एमरेस लिली का एक बल्ब है जो मुझे किसी ने दिया था, वो इसमें लगा हुआ है। टर्टल वाइन इसमें पूरी फैली हुई है तो मैं इन्हें थोड़ा सा साइड कर दूंगी। और ये एरो हेड है, ड्रॉफ वेराइटी वाला है जो, हाँ, वेल्वेट एरो हेड है, वो लगा हुआ है मेरे। इनको थोड़ा सा स्पेस देके इसको तो मैं शिफ्ट कर लूँगी इसमें से, और इसमें जो मैं है अपने बल्ब लगाऊँगी। इस पॉट के नीचे 1/4 पूरा ड्राई लीव रखा हुआ था। ये बल्ब हैं जो मुझे रिप्लेस होके मिले, इन्हीं को जो है मैं अभी इस पॉट में मुझे सेटिंग करना है कि इसी के अंदर मैं इनको डाल दूँ, बिकॉज अभी कोई और पॉट खाली भी नहीं है, और अगर ये ग्रो करने हैं तो डालना तो है ही। तो मैंने आपको सॉइल बता दिया, सॉइल में बस यही मैं चीज़ें लेती हूँ। इस पॉट के अंदर मेरे पहले से किचन वेस्ट कंपोस्ट जो है वो मिला हुआ है, ड्राई लीव कंपोस्ट इसमें भी है, और जो मैंने अभी रेडी किया उसमें भी मैंने मिक्स किया हुआ है। बस अब मैं ये सॉइल के अंदर जो है होल बनाती जाऊँगी, छोटे छोटे बल्ब आ जाए जिसमें, और उनको ही इस तरीके से बिठाती जाऊँगी। और ये जिसका टॉप पोर्शन है इसे हमें ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकाले रखना है, पूरा का पूरा बल्ब जो है वो सॉइल के अंदर हमें नहीं दबाना। ये 5 बल्ब से कंडीशन मैं कह नहीं सकती, क्योंकि प्रीवियस तो मुझे रिसीव नहीं हुए थे, तो इनकी कंडीशन भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, तो चांसेस हाफ एंड हाफ हैं कि क्या होता है। और एक चीज़ और कि वाटरिंग जो है आप अगर फर्स्ट टाइम आज इसे अच्छी तरह दे देंगे तो नेक्स्ट वाटरिंग जब ऊपर का सॉइल ड्राई हो जाए तो ही दें। ओवर वाटरिंग बल्ब वाले प्लांट्स के लिए ख़राब होती है। बल्ब वाले जो भी प्लांट्स होते हैं ओवर वाटरिंग से बल्ब आपके गलने लग जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है, सड़ जाते हैं बल्ब आपके। तो जो बल्ब वाले प्लांट हैं उनमें बस यही करना चाहिए। नॉर्मली अगर एक दिन आप उसे छोड़ भी देंगे ना ड्राई लीव के साथ तो भी, सॉरी ड्राई सॉइल के साथ, तो भी उनको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बल्ब वाले मोस्टली जो भी प्लांट्स हैं अगर आप देखेंगे तो उन्हें रोड साइड एनिमल्स जो भी हैं वो नहीं खाते, तो आप अपने घर की बाउंड्री वॉल पे भी, जो बाहर का आउटसाइड आपके घर की बाउंड्री वॉल है वहाँ पर भी उन्हें लगा सकते हो। यहाँ पे मेरा ये टेबल रोज भी लगा हुआ है, इसका कलर कौन सा है मालूम नहीं, बिकॉज फ्लावरिंग अभी आई नहीं। ये टर्टल वाइन की इतनी छोटी छोटी कटिंग्स भी आप लगा सकते हो, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज तो हम वेरीगेटेड हमारा जो स्पाइडर लिली के बल्ब हमें मिली गए इन्हें डालते हैं, तो ये इसको भी साथ के साथ लगा ही देते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग पानी के अंदर भी ये प्रोपगेट हो जाता है, और आप इसको जो है कटिंग को डायरेक्टली छोटे छोटे कटिंग्स को भी अगर आप लगाओगे तो भी वो जो है बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाती है। फास्ट ग्रोइंग वाइन्स हैं ये, हो गया आपका टर्टल वाइन हो गया। ये सारे बल्ब जो है मैंने 5 इसके अंदर लगा दिए, सिर्फ 5 बल्ब मिले थे,
तो 5 ही मैंने इसके अंदर अभी लगा दिए हैं। अब देखते हैं कि कितने दिनों के अंदर इसका प्रोपगेशन है वो स्टार्ट होता है। आज 20th of August है, ये मैंने आज इन्हें सॉइल में अपना डाल दिया है। अब जल्दी ही देखते हैं कितने दिन के अंदर जो है इसमें जो है स्प्राउटिंग, इसमें शूट्स आने शुरू होते हैं, लीव्स इसके निकलने शुरू होते हैं। इतना इतना पोर्शन जो मैंने है इसको सॉइल से ऊपर निकाल के रखा है, पूरा का पूरा बल्ब मैंने सॉइल के अंदर नहीं प्रेस किया। अभी तो विंटर्स आने वाले हैं तो काफ़ी बड़े बड़े जो नीम के ट्रीज़ वगैरह इनकी कटाई छटाई होने लग गई होगी। आज जो है 3rd of September है, पूरे 15 days के बाद। देखिए अभी बारिश थी तो मैंने उस दिन इसे थोड़ा सा धूप में रख दिया था, तो ये जो दो निकले थे इनके ऊपर से लीव जो है वो बर्न हो गए। एक का जो है बल्ब का लीव इतना बड़ा आ गया है, काफ़ी साइज़ हो गया। 15 days का रिज़ल्ट है ये। दो मेरे थोड़े से मुझे निकाह हटा लेना चाहिए था धूप में से, उसके लीव बर्न हो गए। एक ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ये तो स्प्राउट ही नहीं हुआ, इसमें अभी कुछ लीव कुछ भी नहीं आया। बाकी के जो 4 बल्ब्स थे वो प्रोपगेट हो चुके हैं। अभी मैंने आज इसे शेडी प्लेस पे रख दिया है तो ये वापस दो जो है रिकवर हो जाएंगे। बाकी एक बल्ब है उसमें से दो अलग अलग निकले हैं ये वाला जो आप देख रहे हो बल्ब, इसमें से दो अलग अलग निकले हैं। ये 15 days का रिज़ल्ट है वेरीगेटेड स्पाइडर लिली का। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन, सेव नेचर।